हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगी, प्रीलिम्स एंड मेंस की एग्जाम डेट्स क्या रहने वाली है, साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहता है, और सिलेक्शन के बाद यानी कि NISCL में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपको क्या काम करना होता है, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है एंड आपकी मंथली सैलरी क्या रहती है, तो सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो NISCL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट की अगर बात करें तो इसकी नोटिफिकेशन सितंबर 2023 को एक्सपेक्टेड, यानी कि सितंबर मंथ में आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। एंड यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना होता है, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाता है, और मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। फाइनल सिलेक्शन मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होती है। एग्जाम डेट की बात करें तो प्रीलिम्स की एग्जाम 4 नवंबर को एक्सपेक्टेड है एंड मेंस 9 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है। तो अभी से लेकर आपके पास 4-4.5 महीने का समय है, परमानेंट जॉब है, ऑफिसर लेवल की जॉब है, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। चलिए बाकी डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है, लेकिन अगर आप ओबीसी एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो तो आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स है तो भी आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा, फिर आपको मेंस देना होगा, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। प्रीलिम्स में इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग से टोटल 100 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा एंड इसके लिए 1 आवर का टाइम मिलता है। यहाँ सेक्शनल टाइमिंग रहता है एंड साथ ही साथ यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। मेंस में रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांट से क्वेश्चंस पूछेंगे, टोटल 200 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा एंड इसके लिए आपको 2.5 आवर्स का टाइम मिलता है, यानी कि 2.5 घंटे का समय मिलता है। ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन रहता है। सेम डे में आपको डिस्क्रिप्टिव पोर्शन भी देना होता है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी देना होता है। डिस्क्रिप्टिव में इंग्लिश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव रहता है। टोटल 30 मिनट्स का टाइम मिलता है जिसमें आपको एक लेटर लिखना होता है और एक एसे लिखना होता है। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों ही ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे। मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो इंटरव्यू के मार्क्स को 25% का वेटेज दिया जाएगा एंड मेंस में आप जो मार्क्स स्कोर करते हो उसे 75% का वेटेज दिया जाएगा। चलिए अब कट ऑफ की बात करते हैं। इससे पहले NISCL AO की एग्जाम 2021 में हुई थी और टोटल 300 पोस्ट पर वैकेंसीज रिलीज की गई थी 2021 की नोटिफिकेशन में। यहाँ पे प्रीलिम्स, अगेन यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, प्रीलिम्स मेंस एंड देन इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स की जो कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 100 मार्क्स, यहाँ पे सेक्शनल एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ आपको क्लियर करना होता है। तो ये ओवरऑल कट ऑफ पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई है 73.75 आउट ऑफ 100 मार्क्स। एससी के लिए कट ऑफ रही है 64.5, एसटी 58.75, ओबीसी 68.25, EWS के लिए कट ऑफ रही है 68.75, HI 41.75, OC 61, VI 63.75, ITMD 20.50। तो ये आउट ऑफ 100 मार्क्स कट ऑफ गई है प्रीलिम्स की। सेक्शनल कट ऑफ की बात करते हैं तो इंग्लिश में कट ऑफ गई है SC ST OBC PWD के लिए 11 मार्क्स, अनरिजर्व के लिए 14.5 मार्क्स। रीजनिंग के कट ऑफ की बात करें तो 2.25 मार्क्स कट ऑफ गई थी एंड 6.5 कट ऑफ गई है अनरिजर्व के लिए। क्वांट की बात करें तो 4.25 मार्क्स कट ऑफ गई है एंड अनरिजर्व के लिए कट ऑफ गई है 7.25। मेंस की बात करें तो मेंस में आपको ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों ही पेपर देना होता है और दोनों ही ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आउट ऑफ 200 मार्क्स कट ऑफ हुई है 100.75, एससी के लिए कट ऑफ रही है 71.75, एसटी 70.75, ओबीसी 70.75, ईडब्ल्यूएस 74.75, एचआई 65.5, ओसी 90.75 एंड वीआई के लिए कट ऑफ हुई है 94.75। और मेंस में डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव के लिए कट ऑफ गई है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 13.5 आउट ऑफ 30 मार्क्स एंड अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 15 मार्क्स आउट ऑफ 30 मार्क्स कट हुई है। चलिए बात करते हैं NISCL AO की जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। तो NISCL AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इज द फर्स्ट एंट्री लेवल ऑफिसर हु हैज टू परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑथोरिटेटिव वर्क, यानी कि ये एंट्री लेवल ऑफिसर की पोस्ट होती है, ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट है। इसमें जो आपका मेनली वर्क होता है, ये NISCL इंश्योरेंस सेक्टर की जॉब रहती है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो इसमें जो आपका मेनली वर्क रहेगा इंश्योरेंस रिलेटेड ही रहता है, पॉलिसी क्लेम वगैरह से रिलेटेड रहता है। रिव्यूइंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, चेकिंग क्लॉजेस, सेटलिंग इंश्योरेंस क्लेम्स, वेरीफाइंग द रिस्क प्रपोजल्स एंड सबमिटिंग ऑफिशियल रिटर्न्स इज द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ NISCL AO। देन रिजॉल्विंग बिल्स, मैनेजिंग फाइनेंशियल, बुक कीपिंग्स,
यानी कि जो भी रिकॉर्ड वगैरह रहता है, डेटा रहता है, वो आपको मेंटेन करना होता है, बिल्स रिजॉल्व करना, बिल्स सेंड करना टू कस्टमर्स एंड प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द बजट इन द बजट प्रिपरेशन। तो जब बजट्स वगैरह प्रिपेयर करने रहते हैं NISCL के लिए, तो उस समय भी आपको उसमें हेल्प करना होता है। इसके अलावा NISCL AO इज रिक्वायर्ड टू हैंडल द लीगल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, क्रिएट लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड एंश्योर देर आर नो एरर्स इन द अग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो लीगल अफेयर्स वगैरह रहते हैं तो उन सब में भी आपको इन्वॉल्वमेंट रहती है, आपको उसमें वर्क करना होता है। इसके अलावा द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स एडहियरिंग टू स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो भी आपको दिया जा रहा है, जो भी रेगुलेशंस रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, वो प्रॉपरली फॉलो होना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इसके अलावा NISCL AO जो में जो असिस्टेंट रहते हैं वो आपके अंडर वर्क करते हैं, तो ये आपको इंश्योर करना होता है कि वो अपनी जो वर्क रहती है वो अच्छे से प्रॉपरली तरीके से करें। मेकिंग श्योर दैट द डिसीजंस ऑफ सीनियर्स आर इम्प्लीमेंटेड, इसके अलावा जो सीनियर्स आपको आपकी जो डिसीजंस है वो इम्प्लीमेंट करना, या सीनियर्स आपको जो भी एक्स्ट्रा वर्क दे रहे हैं वो आपको करना होता है। देखिए NISCL AO की जो पोस्ट होती है इसमें आपको कम्प्लीटली डेस्क जॉब करना होता है, कोई फील्ड वर्क वगैरह यहाँ पे आपको नहीं करना होता है, एंड ये 9 to 5 जॉब रहती है, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस रहेगी, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। करियर ग्रोथ यानी प्रोमोशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस रहता है, या तो जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स रहते हैं वो अगर आप क्लियर कर लो तो आपको 3 साल में ही प्रोमोशन मिल जाती है, अदरवाइज अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं तो 5 years के बाद आपको फर्स्ट प्रमोशन मिलती है। NISCL में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बेसिक पे 32,795 है, तो यहाँ बेसिक पे 32,795 मिला है, फिर DA 13,478 मिला है, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मिला है 963, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है 1,330, तो यहाँ ग्रॉस सैलरी बनी है 48,587। डिडक्शंस की बात करें तो यहाँ NPS डिडक्शन हुआ है 4,827, देन यहाँ टैक्स डिडक्शन हुआ है 2,500, HR का कुछ डिडक्शन हुआ है 1,645, एंड मेडिक्लेम का डिडक्शन हुआ है 118, तो यहाँ टोटल डिडक्शन हुए हैं 8,891, तो यहाँ इन हैंड सैलरी बनी है 39,695। दोस्तों यहाँ इन्हें HRA नहीं मिला है क्योंकि इन्होंने लीज एकोमोडेशन लिया हुआ है, और लीज एकोमोडेशन का अमाउंट 17,000 है जहाँ अभी वो रह रहे हैं, और अगर उस अमाउंट को यहाँ हम ऐड कर देते हैं तो 39,000 प्लस 17,000 ये हो गया लगभग 56,000, तो ये आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी। अब बात करते हैं सैलरी के अलावा और क्या क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं जो कि एक NISCL AO को मिलते हैं। आप चाहो तो HRA ले सकते हो, HRA 9%, 8% या 7% होता है डिपेंडिंग अपॉन सिटी, या फिर आप HRA के बदले में लीज रेंट ले सकते हो, और ये जो लीज का अमाउंट रहेगा ये डायरेक्टली आपके लैंडलॉर्ड के अकाउंट में क्रेडिट होता है। मुंबई सिटी के लिए लीज रेंट है 30,000 रुपीज मंथली, और बाकी मेट्रो सिटीज़ के लिए 20,000, क्लास वन सिटी के लिए 15,000 है, क्लास टू के लिए 12,000 है, एंड क्लास थ्री सिटी के लिए 8,000 मंथली है। यहाँ आपको कैश मेडिकल बेनिफिट भी मिलता है जो कि सालाना आप 13,300 आपको मिलेगा। न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है मंथली 200 रुपीज़, फिर आपको हर 3 साल में ब्रीफकेस अलाउंस मिलता है, ये लगभग 2,500 मिलता है। हर साल आप LTC ले सकते हो, लीव ट्रैवल कंसेशन, अपने लिए एंड अपने डिपेंडेंट्स के लिए, एंड ये आप अप टू आप मैक्सिमम 6,000 किलोमीटर्स तक ले सकते हो। सेल्फ एंड फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, यहाँ NPS एंड PF की फैसिलिटी है, इसके साथ ही आप चाहो तो यहाँ होम लोन, कार लोन या फेस्टिवल एडवांस ले सकते हो, और ये जो इंटरेस्ट रेट रहता है होम लोन एंड कार लोन का, ये मार्केट से बहुत ही कम रेट में आपको मिलता है।